समर दे क्या है ना, तो यही प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपने सर्च किया था गूगल में या यूट्यूब पर, तो मैं ही आपको मिला। तो अगर चैनल आप पहली बार आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब कीजिए, तो कर दिया होगा, बगल में दे रखी बेल उसको पुश करिए, आज तक पुश कर दिया होगा, तो ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। एंड जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा तो मेरी नोटिफिकेशन आएगी, जिससे मालूम चलेगा कि हाँ यार ये मैं सीख सकता हूँ कुछ, दोनों काम कर चुकेंगे। चलिए आता हूँ मैं अपने टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। उसका नाम दूसरा भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई न्यूमेरिकल में H+4 आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा एसिड है जिसका यूज़ तो होता ही केमिस्ट्री में। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखिए H+1। हाँ एक बात कहूँगा आपसे, मॉलिक्यूलर मास जो डिपेंड होता है एटॉमिक मास पर, फिर से मॉलिक्यूलर मास डिपेंड होता है एटॉमिक मास पर। सल्फर का 32 आएगा, ऑक्सीजन का 8 एंड 16, इसकी वैल्यू 16 होती है। यहाँ पे जो एलिमेंट दे रखे वो हमें दे रखा है हाइड्रोजन भी दे रखा है, सल्फर भी दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। आप इनके नंबर चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन दे रखा है 2 नंबर्स हैं, यानी कि इस जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 दे रखा है, ऑक्सीजन हम दे रखे हैं हमारे 4 दे रखा है। चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वैल्यू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 4 मल्टीप्लाई 16। अब इसकी वैल्यू को और भी चेक करते हैं। जब भी कोई नया एलिमेंट आए तो उसके बीच में प्लस जरूर लगाते हैं, प्लस जरूर लगाते हैं, ये ध्यान रखने की बात होती है। प्लस आप नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक कर देंगे 64। तो उसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 4 2 6 2 8, 8 एंड 8। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास को फाइंड किया। आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा था आप लोगों को लगा होगा। इसको वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट।